हेलो स्टूडेंट टू दिस टॉपिक इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब भी हम किसी चीज़ को करंट को ऑन करते हैं स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटर हो या इलेक्ट्रिक आयरन हो ओवन हो या गीज़र हो तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हीट हो जाती हैं या इलेक्ट्रिक बल्ब भी देख लीजिए वो हीट करके लाइट देती है तो वेन वेन एवर वी स्विच ऑन द रजिस्टेंस और रजिस्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट गेट्स हीटेड एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट जब भी करेंट पास करती है तो जो इलेक्ट्रिक रजिस्टर होता है या रजिस्टर सर्किट होता है वो हीटअप हो जाता है और इसी प्रोसेस को इसी फेनामिना को वी कॉल इट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट सो लेट वी सी वॉट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट का प्रोडक्शन हो आफ्टर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट ठीक है थ्रू इट इस कॉल द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंटिन्यूसली बींग डेसीबेटेड एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूसड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब जो भी आप एनर्जी देते हैं सप्लाई करते हैं ए सी या डी सी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगातार वो कंज्यूम होता रहता है और आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है जैसे कोई भी चीज़ है अगर जब तक आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते रहेंगे तभी तक वो चीज़ हीट रहेगी देना बंद कर देंगे तो वो हीट करना भी बंद कर देगा तो उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट एनर्जी में चेंज कर देता है मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब तक हम प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता रहेगा ठीक है नाउ लेट वी सी काज ऑफ एक्टिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर क्या रीज़न क्या होता है कि, कि किसी चीज़ में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो हीट हो जाता है तो रीज़न होता है कि ड्यूरिंग ड्रिफ्ट मोशन इसमें आप इस तरह से थोड़ा समझिएगा कि जितने भी रजिस्टर होते हैं जिसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वो मेटैलिक होते हैं ठीक है तो ये हमने एक ले लिया एग्ज़ाम्पल कि ये एक मेटल है और हम इसमें देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो क्या क्या होता है एक मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी संख्या इनका नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो हम कुछ शो करा देते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे आर रैंडमली मूव इन साइड द मेटेलिक वायर इन विच द करेंट इज़ फ्लोइंग जिस करंट जिस वायर की हम बात कर रहे हैं कि जिसमें करंट फ्लो करता है और वो हीट कर जाता है क्यों करता है क्योंकि वो मेटल का होता है और मेटल के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल आप और जान लीजिए कि जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के वो इस न्यूक्लियस से क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर नेगेटिव होता है तो ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं एंड व्हेन वी गिव हीट टू दिस इलेक्ट्रॉन इट इज़ इजीली रिमूव फ्रॉम द आर्बिट ये आराम से आर्बिट से निकल जाता है और ये एक कंडक्टर के अंदर का पार्ट है कंडक्टर के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और जब इसको हम थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं से देते तो ये बाहर आ जाता है और ये क्या होता है फ्री हो जाता है ऐसे फ्री गुण तो ऐसे न जाने कितने एटम्स होते हैं सबसे एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे फ्रीली मूव करते रहते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कार्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर एनर्जी देन दीज वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते हैं जो इनसाइड द uh, होते हैं जो आर्बिट में घूमते रहते हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूम निकल जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ क्लियर दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर एनर्जी देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर इनके पास भी इन, इनकी इतनी एनर्जी होती तो ये यहाँ पर बैलेंस नहीं रहता वो बाहर निकल जाता तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं इसलिए वो बाहर निकल जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं और जो रिमेनिंग एटम होता है जिसको आयंस कहते हैं एटम्स होते हैं जो वो फिक्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन इनसे आके मूव कर सकते कोलाइड कर सकते हैं जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया इससे कोलाइड कर गया फिर कोलाइड करते हैं। ये तो अपनी जगह पर रहेगा कोलाइड करके फिर ऐसे चला गया फिर ऐसे रैंडमली मूव करता है फिर कि कि किसी टाइम इससे आकर कोलाइड कर गया तो ये कोलाइड करते रहते हैं कंटिन्यूसली अब होता क्या है कि अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट वगैरह कुछ नहीं दिया ये एक मेटल के अंदर ऐसा होता रहता है तो हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए एक वोल्टेज लगा दिया एक हमने सिक्स वोल्ट या ट्वेल्व वोल्ट की एक बैटरी लगा दी ये ऐसे और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ये निगेटिव अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव की तरफ खींचेंगे और ये इनको रिपेल करेगा तो कंडीशन क्या बन जाती है दे अब बाहर से एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है इलेक्ट्रिक फोल्ड फील्ड इस तरह से सेटअप हो जाता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है तो ये पॉजिटिव की तरफ ऐसे हो जाते हैं दे आर अरेंज इन इन दिस डायरेक्शन इन लाइक दिस माइनर इस तरह से वो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर अरेंज इन सच ए माइनर व्हेन वी अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस आ फ्यू वोल्ट्स अगर हम कुछ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं लगाते ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं ओके okay. अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ड्रिफ्ट हो गए इस तरह से इससे जैसे ये है ये ड्रिफ्ट होकर ये ऐसे हो गया ऐसे ठीक है ये भी ड्रिफ्ट होते होते इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो गया तो इसको कहते हैं ड्रिफ्ट ठीक है और जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही आप समझिए कि करंट प्रोड्यूस होता है ठीक है करंट कैसे प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये वाले मोशन से इलेक्ट्रॉन के कोई भी हमें करंट नहीं मिलती है जब तक वो ड्रिफ्ट मोशन नहीं करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन नहीं करेंगे तब तक ये हमें करंट नहीं देंगे तो हमें इस तरह से करंट प्रोड्यूस मिलती है ठीक तो यही होता है यही होता है ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है या ड्रिफ्ट मोशन जो इनका मोशन होता है ड्रिफ्ट मोशन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो फिनमिना होता है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फिर से पढ़िए ड्यूरिंग ड्रिफ्ट मोशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स एंड आयन्स जितने आयन होते हैं जितने एटम्स होते हैं वो कोलाइड करते रहते हैं ऑफ़ द कंडक्टर एज ए रिजल्ट दीज एटम्स एंड आयन्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग और ये जो एटम्स होते हैं आयन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं विथ लॉन्गर एम्पलीट्यूड जब आके वो टकराते हैं तो थोड़ा सा वो वाइब्रेट करने लगते हैं

कुछ एनर्जी जब ये टकराते हैं तो कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगता है लॉन्गर एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे ये प्लस यहाँ है ये इतनी दूर के रेंज में वाइब्रेट करने लगता है ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है तो ये अपनी एनर्जी से वाइब्रेट नहीं करता इलेक्ट्रॉन जब आकर इसको स्ट्राइक करता है जब इसको कोलाइट करता है इन आयन से कोलाइट करता है आफ्टर कोलिजन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ लॉन्गर एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू एटम्स जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो इसको ट्रांसफ़र कर देता है तो जैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र करता है तो इसका एक टेम्परेचर बढ़ जाता है इस एटम्स जितने भी इसमें ऐटम्स होते हैं सबकी एनर्जी सबका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है और यही इंक्रीज़ इन टेम्परेचर या इनक्रीज इन एनर्जी की वजह से ही इसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो ये टेम्परेचर बढ़ने से जब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसको आप टच करेंगे तो ये गर्म लगेगा उसी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है ठीक है तो कैसे हीट प्रोड्यूस होता है फिर समझिएगा जब ये इससे कोलाइड करते हैं तो आफ्टर कोलिजन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन जो है कोलाइड करने के बाद अपनी एनर्जी को कुछ ट्रांसफ़र कर देता है और जैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं ठीक है और यही हीट प्रोड्यूस करते हैं तो इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो यही है कि ड्यूरिंग डिफ्ट मोशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स एज ए रिजल्ट दीज एटम्स एंड आयंस स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड देयर एनर्जी इंक्रीजेस द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ एटम्स एंड आयंस लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और हीट प्रोड्यूस होता है अब एक्सप्रेशन फॉर हीट एनर्जी देखिए एक रजिस्टर है आर वी वोल्टेज से कनेक्ट है एम एमीटर लगा हुआ है और ये करंट फ्लो कर रहा है ठीक है तो जो वर्क डन होगा चार्ज को मूव करने में तो हम जानते हैं कि वी इक्वल टू होता है डब्लू अपॉन क्यू तो डब्लू की वैल्यू हो जाएगी वी इन क्यू और Q इक्वल टू क्या होता है करंट इन टाइम आई टी तो ये हो गया आई टी तो W इक्वल टू हो गया वी आई टी और जो यही वर्क होता है यही जो वर्क होता है जो टकराते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज होती है वही हीट मतलब जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा मतलब जितना वर्क होगा इलेक्ट्रॉन जितना वर्क करेंगे उतना हीट प्रोड्यूस होगा तो यही वर्क जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है तो हीट इज़ इक्वल टू वी आई टी ओम्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि वी इक्वल टू होता है आई इंटू आर तो वी की जगह जब आई आर रख देंगे तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू वी की जगह आई आर इंटू आई टी आई 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 स्क्वायर आर ओ टी आर टी तो आई स्क्वायर आर टी फिर आई इक्वल टू हम जानते हैं वी अपॉन आर तो आई की जगह जब वी अपॉन आर रखेंगे तो वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा बचेगा वी स्क्वायर नीचे एक आर कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा एच इक्वल टू वी आई टी प्लस आई स्क्वायर आर टी प्लस वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखिएगा कि एच इज इक्वल टू यहाँ है आई स्क्वायर आर इंटू टी इसका मतलब ये है कि जो एच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के जितना ज़्यादा करंट ही ही फ्लो कराएंगे आई स्क्वायर में मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रखेंगे रजिस्टर का उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जितनी टाइम तक करेंट प्रोड्यूस फॉलो करा फ्लो कराएंगे जितनी टाइम तक मतलब जितना ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो कराएंगे उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी छोटे से टाइम के लिए करंट फ्लो कराएंगे तो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होगा ज़्यादा टाइम तक कराएंगे तो ज़्यादा और जितना अमाउंट करंट का फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ठीक है